गुजरात के अहमदाबाद शहर के स्पॉन ब्रिज पर बड़ा हादसा हो गया है। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा करीब 20 लोग घायल हो गए। गोजरा के इस हादसे में 2 पुलिस कर्मियों समेत 9 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। एक एसयूवी कार, थार और डंपर की टक्कर के बाद जगुआर कार भी वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा देखने आई भीड़ को जगुआर कार ने कुचल दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल जो घटनाक्रम बताया गया है उसके हिसाब से रात के करीब 1:15 पर इस्कॉन ब्रिज पर एक महिंद्रा थार गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई, यानी डंपर से टकरा गई, जिसे रेस्क्यू करने के लिए वहां लोग इकट्ठा हो गए। तभी करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगुआर गाड़ी वहां आई और हाईवे पर खड़े लोगों पर चढ़ती हुई निकल गई। जगुआर की टक्कर से लोग 30 फीट पुल के नीचे गिर गए। इस हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हादसे में घायलों को इलाज के लिए 16 सिविल और सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों में नीरव रामानुज, अमन काची, कुणाल कोडिया, रौनक राजेश भाई विहाल पारा, अरमान अनिल आधवानियन, अक्षर चावड़ा, धर्मेंद्र सिंह, नीलेश खटिक शामिल है। लास्ट नाइट जो एक्सीडेंट हुआ उसमें एक जगुआर कार ने 9 लोगों को मार दिया और बाकी 10 से 11 लोगों को इंजर्ड किया है। ये जगुआर का जो चालक है वो अभी हॉस्पिटल में सारवार ले रहा है, हमारी निगरानी में है और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उसको हम अरेस्ट भी कर लेंगे। अभी जो लोग मृत्यु जिनकी हुई है उनके प्रति हमारी संवेदना है और हम इसके लिए हम कायदे सर जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही शार्पली सभी मृतक लोगों को न्याय मिले ऐसी हम संपूर्ण कोशिश करेंगे। इस हादसे से पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। इन परिवारों की एक मांग है कि उनके परिजनों की मौत का न्याय मिले और जो लोग जगुआर कार में थे उन्हें सजा मिले। क्या कंडीशन होगी, एक्सपायर हो गया तो क्या कंडीशन होगी यार? ऐसे लोग को सही में सजा देनी चाहिए। आप लोग को ऐसी गाड़ी चलाने वालों को ऐसी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं, बच्चों को, एक बच्चे को आप पाल पोस के बड़ा करो कितनी मुश्किल होती है। अपने बच्चे को तुम देखो, छोटा बच्चा होता है उसको बड़ा करो मालूम पड़े कितनी मुश्किलें पड़ती है इतना बड़ा करने में। अभी तो उसकी उम्र ही क्या है जो भाई साहब कोई आपकी हेल्प करने के लिए, वो गुना थोड़ा ही है। कोई हेल्प करना हो, कोई गाड़ी वाला हो, फास्ट कोई पी गया हो, कुछ भी करके आया हो, कोई गाड़ी वाला हो तो उसी गाड़ी चला के सबको उड़ा दे, थोड़ा चलेगा। कितने जन को घर उजड़ गया आज, 10-15 जन 20 जन टोटल एक्सपायर्ड है। तो 9 जन तो एक्सपायर्ड हो गए हैं, 20 जन को टोटल ले लिया उसने गाड़ी वाले ने। ऐसे गाड़ी वाले को कैसे छोड़ सकते आप? ये तो ऐसे करेंगे तो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। रोड पे लोग बड़ी बड़ी पहचान लगा के छूट जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता है। मीडिया वाला भी फोटो पड़ेंगे 2 घंटे के बाद कुछ भी नहीं होगा। कुछ करके दिखाओ आप तो मानेंगे कि आप लोग कुछ कर रहे हो। हमारी मांग उनको सजा होनी चाहिए कम से कम। कोई भी बिल्डर हो, कोई भी उद्योगपति हो, उससे कोई मतलब नहीं हमको। हमको तो सिर्फ न्याय चाहिए। जैसे आपका बच्चा हो तो उसके साथ ऐसा घटना हो तो आप क्या चाहते हैं? वैसे हमारे बच्चे के साथ भी ये घटना हुई है। ये रहा उसका फोटो देखो, 21 साल की उम्र है इसकी। होमगार्ड में था, होमगार्ड में साहब चालू नौकरी पे, चालू ड्यूटी पे था तो एक्सीडेंट हुआ तो उसने थोड़ा जाया कि उसको बोला कि हेल्प करे किसी को। अभी उनकी तो सर्विस ही है कि हेल्प करने किसी की। तो गाड़ी वाला आया सबको उड़ा ले गया, 9 जने एक्सपायर्ड, सब बच्चे ही है, सब छोटी उम्र के, ये कोई ज्यादा उम्र के नहीं उसके अंदर। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।